जय माता दी। नवरात्र के हर दिन का अलग अलग महत्व होता है और देवी के हर स्वरूप की पूजा 9 दिनों तक की जाती है और आज इस महात्योहार का चौथा दिन है जिसमें देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना के साथ साथ आप अपने मनवांछित फल की भी कामना कर सकते हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः ये भी सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है, वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं देवी में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विराजमान हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और विधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। तो आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की विशेष पूजा विधि। मनुष्य को अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। 5 मुट्ठी हरी साबुत मूंग और भिगाकर और मालपुए बनाकर माता को अर्पण करें। माँ कुष्मांडा के सामने दीपक और धूप जलाएं एवं तांबे के लोटे में जल भर कर रखें। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद हरी साबुत मूंग को पक्षियों को खिला दें और मालपुए छोटी बच्चियों में बांट दें। ये पूजा करने से व्यापार में सफलता मिलेगी और अगर आपका कोई भी धन किसी कार्य में फंसा होगा तो वो भी आपको वापस मिल जाएगा। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम मार्ग दिखाती है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आथियों व्याथियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो आज के दिन का व्रत आपके लिए सफल रहे और आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण रहे। इसी मनोकामना के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।